सर जहां से बड़ी एवेन्यू से सर जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं उससे महसूस ये हो रहा है कि एतमाद की फजा में काफी नजर नहीं आ रही एतमाद की फजा। तुम्हारा हमेशा कमेंट नेगेटिव ही होता है, तुम बदले नहीं ढाई साल। मैं कह रहा हूँ कि हालात बेहतर हो रहे हैं, तुम कह रहे हो हालात खराब। सर सवाल तो सुन लीजिए। और सर माजी में भी हमने ये देखा है कि हुक्मरान जमात जो है वो अवामी तौर पर मीडिया पर टेलीविजन पर आकर कहते थे कि कोई ड्रोन स्ट्राइक के हम खिलाफ हैं और कोई अड्डे नहीं दिए हुए, लेकिन बिहाइंड द सीन मामला कुछ और थे। आप बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, तो अब भी ऐसा कुछ मामला तो नहीं है कि हमें बताया जा रहा है कि जेब हमेशा शरारत करता है। अभी देखो ठीक है, देखें होता रहे ना। आई एम जोकिंग। सही कह रहे कि पहले एक हिस्ट्री है, और मेरा ख्याल है कि कौमें वो तरक्की करती हैं जो अपनी गलतियों से सीखती हैं। देर इज नो पॉइंट सेइंग कि नहीं जी हर चीज ठीक है। हमारे अंदर बहुत सी चीजें हैं जो कमजोरियां जो बेहतर होने वाली हैं। एक ये है कि पिछली हुकूमतों में ये हुआ है कि एक बात की गई है और एक्शन फर्क हुआ है। ठीक, एक बड़ा बुनियादी फर्क इस वक्त की हुकूमत सोच और सबसे पहले मैं कहूंगा वजीर आजम और माजी में यह है कि जो बात होती है वो आपको खुल के बता देते हैं और हमें इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि जो बात हो गई उससे हम बिल्कुल डिविएट नहीं करेंगे। और ये मेरा ख्याल है एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है पाकिस्तान में। देखें, अगर हमें कोई चीज करनी है मुल्क के मफाद में तो हमें आवाम को कॉन्फिडेंस में लेना है, आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना है, छुपाने वाली क्या बात है। अभी मैं क्यों कह रहा हूं आप पूछें, देयर इज नथिंग टू हाइड। 2011-12 में पार्लियामेंट में ये पास हुआ था, आई बिलीव ये करारदाद थी जिसमें उन्होंने ले आउट किया था हमारे लेजिस्लेटर्स ने कि किस पैराए में रह के कोई भी हुकूमत वक्त फॉरेन गवर्नमेंट से इंगेज कर सकती है। अभी बड़े हाल ही में एक हाई लेवल सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई थी पार्लियामेंटेरियंस को, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को, उसमें ये बात की गई, वो डॉक्यूमेंट भी मौजूद था और फिर रिइटरेट किया गया कि उसी पैराए में रह के तमाम चीजें होंगी। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी डिसीजन बिहाइंड द सीन्स जो कम्युनिकेट नहीं कर दिया गया पब्लिकली बाय द प्राइम मिनिस्टर। मैंने आपको बता दिया है, इस पर बहुत बहस अननेसेसरी हुई है, ना इन्होंने रेज किया अड्डे की बात, ना हम जवाब दे रहे हैं, वो चैप्टर क्लोज्ड है। इसका यह मतलब नहीं कि पाकिस्तान अमरीका के साथ काम नहीं कर सकता, और बहुत सी चीजें हैं जिसमें म्यूचुअल इंटरेस्ट है कि हमने काम करना है, हम तो बार बार ये बात कर रहे हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट ही होगा। ठीक, सो जो आपका सवाल है वो बजा है। सर महसूस ये हो रहा है कि पाकिस्तान पे बिल्कुल ट्रस्ट भी नहीं है अमेरिका का। बाइडन साहब आपको भी मालूम है कि ओबामा के दौर में वाइस प्रेसिडेंट भी थे। सर सीपीसी कंट्री में हम शामिल हैं, वॉच लिस्ट में हम शामिल हैं, चाइल्ड सोल्जर जिसका पाकिस्तान में नाम हो निशान ही कोई नहीं, हम उसमें भी शामिल हैं। तो सर जब इस तरह की जब आपकी मीटिंग्स हो रही है तो आप ये डिस्कस करते हैं कि यार ये साथ हमारा नेबरिंग कंट्री इंडिया, वहां पे आपको मालूम है इनकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, तो पाकिस्तान के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों हो रहा है? आपका बिल्कुल आई थिंक इट्स अ वैलिड पॉइंट, और ये कंसर्न हमारा भी है। जब पार्टनर्स आगे चलते हैं और कोई काम करते हैं तो माइनर इरिटेंट्स नहीं आने चाहिए, वो अननेसेसरी होते हैं। इस ताल्लुक में इन द पास्ट ये मसला शायद रहा है, और मे भी उसमें कुछ मसल मेमोरी कह लें या जो भी वो होती हैं चीजें। हमारा इस पे मौकफ बिल्कुल वाजे है, जहां तो कोई टेक्निकली कोई जवाज बनता है तो बिल्कुल ठीक, अगर कोई कमजोरी है, अगर कोई इशू है तो बिल्कुल ठीक। लेकिन आप मुझे खुद बताएं, आप लोग खुद पाकिस्तानी, चाइल्ड सोल्जर पाकिस्तान, मतलब कोई लॉजिक भी तो समझ आए किसी चीज का। ठीक, अच्छा, उसके बाद FATF की अब मैं और क्या बात कर सकता हूं सवाए इसके कि हिंदुस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद ही वाजे कर दिया, हम तो ये बात नहीं कर रहे, अब वो कर रहे हैं। सो यस, ये इश्यूज हैं और ये बिल्कुल रेज होते हैं, और हम ये बात बावर भी कराते हैं कि कई चीजें फेयर नहीं हैं और उनको देखने की जरूरत है, और उन पे अगेन ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती, लेकिन बिल्कुल जो जो हमारे कंसर्न्स हैं वो रेज होते हैं और उनके माकूल जवाब भी कई दफा आते हैं, और जो उनके कंसर्न्स हैं वो रेज करते हैं, बट ऑनगोइंग प्रोसेस इसीलिए बना है और स्ट्रक्चर इसीलिए बना है कि ये तमाम चीजें उसमें डिस्कस हो। लेकिन ओवरऑल आई विल टेल यू, प्रेशर रखने के लिए किया जा रहा है। देखिए, ओवरऑल आई विल टेल यू कि मुझे कम अज कम जिनीवा यहां वेरी कंड्यूसिव कंस्ट्रक्टिव मीटिंग्स जिसमें वो भी तस्लीम करते हैं कि कुछ चीजें हैं जो होने वाली हैं,
और हम भी ये बात कर रहे हैं कि हमने मिलके आगे चलना है, बट ये चीजें बिल्कुल मौजूद हैं एंड वी वांट कि जितनी जल्दी ये रेक्टिफाई हो जाए उतना बेहतर है ताल्लुक के लिए।